परिवहन संविदा बहाली मंच का अनशन परिवहन संविदा पे तैनात चालक परिचालकों के द्वारा 15 फरवरी से परिवहन निगम मुख्यालय टेढ़ी कोठी कैसरबाग लखनऊ में निरंतर चल रहा है, परंतु अभी तक प्रबंधक निदेशक के द्वारा इनको एक बार भी सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप सभी परिवहन व संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वो तथा उनका परिवार आगामी लोकसभा में चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। आज इनके अनशन का 43वां दिन है, पर अभी तक किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है। वो ये कहते हैं कि सरकार को हमारे बारे में और परिवहन विभाग मुख्यालय को हमारे बारे में सोचना चाहिए। अगर इस तरह परिवहन विभाग हमारे साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा तो इस सरकार में संविदा कर्मचारियों को आत्महत्या ही कर लेनी होगी। नमस्कार, मैं हूँ आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ के कैसरबाग में टेढ़ी कोठी में परिवहन निगम द्वारा परिवहन विभाग के ऑफिस में ये संविदा पर तैनात चालक परिचालक महोदय बेचारे पिछले 43 दिनों से बैठे हैं। हद है, यानी कि 43 दिनों से ये अनशन पर बैठे हैं। अपना घर बार छोड़कर इनकी आप स्थिति देखिए कैसी है, और इन लोगों का कोई भी परिवहन विभाग का अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और इनकी हालत ऐसी है कि ये परेशान है, अधिकारियों से अपनी बात कहने को परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी और भी बहुत सारे अधिकारी, खास करके परिवहन विभाग के अधिकारी जो भी लखनऊ के हैं, वो इनकी समस्या पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया कर्मी भी इन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। 43 दिनों से, यानी कि 43 डेज से ये सभी बैठे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं न्याय का। इनके सामने कोई बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई शादीशुदा है वो अपना परिवार कैसे चलाए, इनके बच्चे घर पर भूखे मर रहे हैं, ये परेशान है। ये सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है मस्त है, चुनाव के नतीजों पर मस्त है, कोई किसी के और चीजों में व्यस्त है, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आशीष दीक्षित TV1 इंडिया के लिए अभी इनसे बात करूंगा। आप लोग सुनिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि परिवहन विभाग के अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचे। हाँ जी भैया, बताइए आपकी क्या समस्या है, नाम क्या है, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गौरीशंकर अवस्थी। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है आपके? श्री सीतासन अवस्थी। अच्छा, कहाँ से हैं आप, पूरा मतलब एड्रेस बताइए हमें। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं राज डिपो में संविदा परिचालक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी क्या समस्या, आप यहाँ लखनऊ में धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? सर, मैं यहाँ पे धरने पे इसलिए बैठा हूँ। जी बताइए क्या समस्या है आपकी, आप यहाँ लखनऊ पे धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ पे अपनी संविदा बहाली के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे सभी भाई चालक परिचालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 15 फरवरी। जी बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है संविदा बहाली को लेकर के। हम यहाँ पर 15 फरवरी 2019 से कृमि कमीशन में और उसके बाद 22/2/2019 से आमरण अनशन 5 तारीख तक हमारा चला। माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आए थे, उनके आश्वासन के द्वारा उन्होंने कहा हमसे कि हम आपकी बात को शासन में रखेंगे, आप इसको कृमि कमीशन में तब्दील कर लें। तब से हम निरंतर यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को लेकर के कि हमें एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई जो हमें इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। माननीय प्रबंध निदेशक के आश्वासन है, उन्होंने कहा भी है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अभी तक यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और दूसरे लोग से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है, जो इन्हीं के साथ में है वो भी संविदा पे चालक या परिचालक है, उनके पास चलते हैं। आइए जी, आपका क्या नाम है? जी मैं श्रीकांत भोजवाल, संविदा समाप्त परिचालक फतेहपुर डिपो। सर सामने देखिए आप। हाँ, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि रोडवेज विभाग के अधिकारी ARM से लेकर के GM तक, हाँ, जो हमारे माननीय MD साहब और उप MD साहब आते हैं, इनको भ्रमित रिपोर्ट दिखा करके इनको भ्रमित किया जाता है। हमारे साथ शोषण उत्पीड़न ARM से लेकर के GM तक करते हैं और सच्चाई इन तक पहुँचती नहीं है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? जी मैं श्रीकांत भोजवाल, संविदा समाप्त परिचालक। अच्छा, नहीं, जगह बताइए, एड्रेस बताइए और जगह बताइए। जिला फतेहपुर, ग्राम पोस्ट शाहवाल। अच्छा, किस पद पर तैनात थे आप, क्या करते थे? संविदा परिचालक था। अच्छा, आप संविदा कौन सी बस पर थे, कौन से डिपो में थे? फतेहपुर डिपो में। हाँ, चलता था, किसी भी गाड़ी में मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी। जी जी जी। मैं विभागीय हित में काम करता था और मेरी आख्या भी माननीय ARM साहब के यहाँ भेजी गई, जो कि मेरी आख्या पूर्व में सभी अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी रही, अच्छा व्यवहार रहा, मेरा लोड फैक्टर डिपो में सबसे अच्छा रहा।
इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने मनमाने तरीके से मुझसे खर्चा मांगा गया, मैंने खर्चा नहीं दिया। गाड़ी चेक करने के बहाने मुझसे बेबिल मशीन मांगा गया तो हमने तो उनको सम्मान से सहित हमने बेबिल मशीन दे दिया। जब हमने उनको खर्चा नहीं दिया तो मनमानी तरीके से अपना काम कर दिया। जी हाँ, बताइए कि विभाग से अब आपकी समस्या क्या, आप क्या चाहते हो, कितने दिनों से अनशन पर बैठे हैं आप? हम 15 फरवरी से अभी तक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं साहब, और हम होली के इस त्योहार पर घर भी नहीं गए, भूखे प्यासे रह रहे हैं साहब। देखिए हमारी हालत, ये कपड़े हमारे फट गए हैं और ये देखिए हमारे सब कपड़े फटे हुए हैं। कोई हमका हमारे हित में और हमारे न्याय पे काम करने को तैयार नहीं है। एमडी साहब और उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रमिक रिपोर्ट दिखा करके विभागीय अधिकारी बताते हैं भ्रष्टाचारी, जबकि ये स्वयं भ्रष्टाचारी हैं और हम एक तरफ भर्ती करते हैं और दूसरे तरफ निकालने का रास्ता करते हैं। हमसे खर्चा मांगते हैं, हम खर्चा नहीं देते तो बेबिल मशीन इनके हाथ में जो चाहते हैं वो लिख देते हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। इसी क्रम में हम दूसरे परिचालक और संविदा चालक के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार द्विवेदी है। तेज बोलिए आप। मेरा नाम विनोद कुमार द्विवेदी है। कहाँ से हैं आप? हम बहराई से हैं। अच्छा, हम पूर्व संविदा परिचालक हैं। जी बताइए क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि इनके अधिकारी अपने यहाँ जो यहाँ से जियो जारी होता है निरीक्षणकर्ता के लिए, निरीक्षणकर्ता उस जियो का पालन नहीं करता है, लेकिन उसके खिलाफ ये अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। केवल परिचालक की गर्दन को काटने के लिए इनका जियो यहाँ लागू होता है, लेकिन अधिकारी के खिलाफ इनका कोई जियो लागू नहीं होता है। ये मेरे पास जियो है, इसमें स्पष्ट लिखा है। दिखाइए सामने। निरीक्षणकर्ता द्वारा निकटतम थाने में 10 से अधिक WTO FIR दर्ज कराना आवश्यक है, उसका वीडियोग्राफी कराना आवश्यक है, लेकिन इनके निरीक्षणकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। केवल अपने मनमानी तरीके से गाड़ी चेक करके और अपनी मनमानी रिपोर्ट पेश करते हैं। ये देखिए इनके इनके RM द्वारा जी इनके RM 38 WT मिसबिहेव 4G जैसा केस की बहाली करते हैं। इनके इनके प्रबंध निदेशक के आदेश पर, माननीय प्रबंध निदेशक के दूरभाष आदेश पर ये सिंगल व्यक्ति की ये बहाली होती है। माननीय प्रबंध निदेशक के दूरभाष आदेश पर ये बहाली होती है। ये बहाली अच्छी हो, इनके आरएम लिखते हैं, प्रथम प्रकरण अच्छा लोड फैक्टर 13 WT का प्रकरण है, प्रथम प्रकरण अच्छा लोड फैक्टर, अच्छा कार्य व्यवहार, निगम हित में निर्णय लिया गया। तो क्या हम लोग निगम हित में हम लोगों के उसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है? क्या हम लोग निगम हित में हम लोग काम नहीं किया या न करते हैं? ऐसे हम जैसे अन्य लोगों की बहाली हुई है वैसे हम लोगों की बहाली भी करनी चाहिए। मान्य बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार का आर्डर है 1 WTO पे निकाल देने पर, वो भी सिद्ध होने पे, लेकिन आप किस प्रकार सिद्ध करते हैं? जब आपके जियो में है कि निरीक्षणकर्ता जब गाड़ी निरीक्षण करेगा तो उस बिना टिकट यात्री का अगर नहीं संभव है तो नाम पता दर्ज करना चाहिए टिकट पे, लेकिन मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करता है, केवल ऐसे आकर के अपनी रिपोर्ट करते हैं। यह 25 WT बहाली का सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 25 यात्री WT नहीं हो सकती है। 25 ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखा रहे हैं, 25 WT का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है बहाली का, ना उसमें रेगुलर संविदा लिखा ना इसमें रेगुलर संविदा लिखा, लेकिन चूंकि ये हम लोगों के हित की बात है इसलिए इसको ये कहा जा रहा है कि ये आप इसमें संविदान ये रेगुलर के लिए है, और जबकि उसमें जो है उसमें ना रेगुलर संविदा लिखा ना इसमें लिखा है। ये देखिए 28.5 WT का प्रकरण है, इसमें बहाली कर दी जाती है सीधे। आरएम कहते हैं कि निगम हित में निर्णय लेगा, आवश्यकता अनुसार इनको कार्य पर लिया जा रहा है, सीधे ना इनकी जांच हो रही है ना कोई कार्रवाई हो रही है, क्यों सीधे 28.5 WT की बहाली की जा रही है, 10,000 सिक्योरिटी जमा करा। तो क्या हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता? हम लोग इस भारत में उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं है, भारत के निवासी नहीं है। धीरे धीरे जी हाँ बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रभाकर त्यागी। अच्छा कहाँ से हैं त्यागी? आगरा से। अच्छा क्या समस्या है, कहाँ तैनात थे आप, किस डिपो में? ईदगाह डिपो में तैनात था। कहाँ पे? ईदगाह आगरा में, ईदगाह डिपो। हाँ ठीक है, बताइए क्या समस्या है? समस्या तो वही संविदा बहाली की है, सभी के साथ एक ही समस्या, जितने यहाँ मंच के पास बैठे हैं वो सब एक ही समस्या वाले। हाँ क्या चाहते हैं आप, क्या चीज है? संविदा बहाली चाहते हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 15 फरवरी से लगातार चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी तक कोई आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन माननीय प्रबंध निदेशक द्वारा मिल गया है, उसी आश्वासन पर बैठे, उसी आस पे। जब निगम है तुम्हें 28 सवारियों की आवश्यकता पड़ सकती है तो इसमें तो 5 वाले 10 वाले 12 वाले 15 वाले इनकी आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती है? क्या उनसे कम है? 28 सवारी की निगम में तुम्हें जरूरत पड़ सकती है तो हमारी क्यों नहीं पड़ सकती? हम तो और कम वाले हैं, 28 से कम ही होंगे इसमें सभी लोग।
TV1 इंडिया के लिए आशीष दीक्षित की रिपोर्ट, लखनऊ।